दिल के साथ खुदा की आवाज को सुने ताकि हमेशा की जिंदगी पा सके। आज बच्चे ये कलाम को सुनेंगे, कल को यीशु मसीह के नौजवान सिपाही बने और हम इस पर वाला बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत तस्वीर की गई है भाई साहब ने, बड़ी अच्छी तस्वीर की है, पैदा ने की है, आप सब ने ग्लैमी की है। जिनके पास वो बाइबल है वो बाइबल ले लें, नहीं है तो ले लें, और जिनके पास है वो तैयार है। उसके बाद कोई ना बोले सब समझ रहे और क्या था? मुर्दा था, मुर्दा था,
वो पढ़ा रहा है जब तक खुदा ने हमें हुक्म नहीं दिया। और खुदा को हुक्म देता है, खुदा ने उसकी नसों में जिंदगी का काम खत्म किया। खुदा ने ये तो नहीं कहा कि तू मुर्दा पड़ा रहा है, ये कहा है खुदा ने क्या करा उसको जिंदगी देने के लिए, उसकी नसों में जिंदगी का दम खोल दिया। क्या क्या वो क्या हो गया, जिंदगी का जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा वहां जाकर होता है जहां पर मुर्दा हड्डियां पड़ी हैं।
कब्रिस्तान लगा दिया, उसको कब्रिस्तान लगा दिया और उसने कहा कि मैं देख रहा है तुम्हें। उसने कहा खुदावंद मैं देखता हूँ कि ये सब हड्डियां पड़ी हैं। तो खुदा ने उससे कहा कि क्या ये हड्डियां ठंडा हो सकती हैं? तो उसने क्या कहा, खुदावंद मैं नहीं जानता, क्योंकि इंसान की अकल क्या है, नाकस है, चाहे वो हड्डी है, चाहे दुश्मन है, चाहे वो कोई भी है, मगर उसकी अकल क्या है, नाकस है। मगर खुदा जो है कहा कि क्या ये अगला जिंदा हो सकती है? उसने कहा कि मैं नहीं जानता खुदावंद। ये कौन जानता है? ये तू जानता है। हालेलुया, क्योंकि खुदा जानों के और भूतों के राजाओं का जांचने वाला खुदा है। उसने तो उसको जिंदगी दी है, वो फिर मुर्दा हो गया है। किसके सबब से हो गया है? गुनाह के सबब से। और गुनाह उसकी जिंदगी में कब आया? अगर हम पैदाइश में नहीं देखते हैं तो उसकी जिंदगी में गुनाह पैदाइश में ही है। और वो गुनाह उनकी जिंदगी में रहा और खुदा से क्या हो गए, वो दूर हो गए। उनको खुदा ने अपनी बादशाही से हटा दिया, निकाल दिया उसने। और इंसान से क्या कहा कि आप खुदा तू अपने खून पसीने की रोटी खाएगा, तू खेतों में खेती बाड़ी करेगा और तू काम करेगा और तू अपने खून पसीने की रोटी खाएगा और जो औरत है वो दर्द के साथ रहेगी। दोनों को क्या दी इसने? मुसीबत में डाल दिया। अगर हम आज खुदा की आवाज को सुनेंगे तो अपने दिलों को सख्त ना करें बल्कि नरम करें ताकि हमेशा की जिंदगी पा सके। जिंदगी किसके पास है? यीशु मसीह के पास। तो हालेलुया कहेगा, हालेलुया। लाजर मर गया था, वो भी मुर्दों में डाल दिया गया। लाजर मर गया था, उसको मुर्दों कब्रिस्तान में दफना दिया, कब्र में डाल दिया गया। तो यीशु को मालूम था कि वो मर चुका है, मगर उसने क्या करा? वो खुद वहां रहा, गलील में रहा, ताकि वो वहीं पे रहे। और जब वो यरूशलेम में आया, जब लाजर को मारे में चार दिन हो गए थे, तो उसने आज से जब रास्ते में काम करके जमीनों ने लोगों ने शोर मचा दिया कि तेरे क्या है तेरा अस्पताल आ रहा है। मरियम और मार्था जो भी वो भागी और रोती हुई उसके पास आई और क्या कहा, ऐ खुदावंद अगर तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई ना मरता, मेरा भाई ना मरता। इसी तरह खुदा ने हिजकिय्याह को उस कब्रिस्तान में जाके छोड़ दिया। उसने बताया, उसने कहा निकल पर नबूवत कर, वो लोग और वो जमीन जो है मुर्दा है, जिनके वो खुदा के कलाम से जिंदा हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम ना जीवा कलाम है, खुदा का कलाम जो है मंजिलों को तोड़ने वाला खुदा है, खुदा का कलाम जो है जिंदगी को तब्दील करने वाला खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम जो है जो हमको क्या करना है हमारे मंजिलों को तोड़ देता है और वो मुर्दा हड्डियों को जिंदा करने में कुदरत रखता है। हालेलुया, और जब उसने आवाज मारी
ने कहा कि लाजर वाहे राजा, लाजर वाहे राजा, लाजर वाहे राजा। तो लाजर खुदा के हुक्म को मानता हुआ वो मुर्दा का था, वो जिंदा हुआ और कब्र से बाहर आ गया। जहां पे मेरे सामने यीशु की हजूरी रहेगी वहां पे मुर्दे भी जिएंगे। और उसने कहा लाजर का वश के बाहर आ, तो लाजर कफन के समेत ही बाहर आ। और खुदा ने खुदा का जलाल देखकर वो सब लोग दंग रह गए, हैरान हुए। और उसने कहा कि इसका कफन खोलो, इसको जाने। इसलिए तो खुदा ने कहा कि जा इनके ऊपर नबूवत कर, मेरे नाम की गवाही दे, मेरा कलाम सुना जाके। और वो हड्डियां कौन सी है, आए हम देखी देखते हैं कि वो मुर्दा हड्डियां कौन सी है जिनके ऊपर खुदा को जी। ये इज़राइल इसकी 11 आयत है जी, खुदा ने वहां से पढ़े तब उसने मुझे फरमाया है आदमजात की हड्डियां तमाम बन इसराइल हैं, देख ये कहते हैं हम हमारी हड्डियाँ सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि ऐ मेरे लोगों देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे कब्रों को खोल दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, कब्रों को खोल दूंगा, क्योंकि तुम मुर्दा हो, कब्र के अंदर पड़े हुए हो। और ये गुलाम लोग क्या कर देगा, जिंदा कर देगा। हालेलुया, ये गुलाम जिंदा करेगा और कोई नहीं करेगा जी। तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूँ, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। आमीन। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद एक छड़ी ले और उस पर लिख यहूदा और उसके रफीक बन इसराइल के लिए, फिर दूसरी छड़ी ले और उस पर ये लिख इब्राहिम की छड़ी यूसुफ और उसके रफीक तमाम बन इसराइल के लिए। आमीन। ये खुदा का कलाम जो है, खुदा ने मुर्दा हड्डियों के ऊपर नसें खींची, उनके ऊपर चमड़ा चढ़ाया, और फिर क्या किया उनकी नखों में, जिस तरह हमने पैदाइश के अंदर पढ़ा कि उनकी नखों में क्या होगा, जिंदगी का दाम बनता, क्या होगा, जिंदगी का दाम बन गया। और वो क्या हो गया, वो जीती जान हो गया। और जब वो जीती जान हो गया तो अपने पाँव पे खड़े हो गए और वो कहने लगे, बोलने लगे, कि हम तो क्या थे, फना हो चुके थे, हम तो मर चुके थे, हम मिल चुके थे, हमारा कोई भी बचाने वाला नहीं था, हमारा कोई भी संभालने वाला नहीं था। खुदा का कलाम उनको जिंदगी देने के लिए आया, और खुदा खुद खलक होके हमारे दरमियान आया। हम जितनी देर खुदा के मज़बा पे रहते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि उसने अपने आसमान को छोड़ा और जमीन पर उतर आया ताकि अपने लोगों ने आपके अंदर क्या करे, वो रक्त लगाए। और इंसान जी की जान हुआ आयने से देखें, मगर उस कौम ने उस इस्राएली ने क्या किया, खुदा के नाम की आवाज को सुनते हुए भी उसने कहा कि तुम मेरा नाम बेफायदा लेते हो, मेरा नाम बेफायदा लेते हो, तुम मेरा नाम बेफायदा ना लेना, बल्कि क्या करना, अपने खुदा की इबादत करना, किसी और की नहीं। आइए ऐसा देखें असिस्ना 5 बाब, असिस्ना नबी की मार का खुदा का पाक कलाम है, उसका 5 बाब और उसकी 11 आयत से लेकर 14 आयत तक खुदा का कलाम सुनेंगे। खुदा ने इंसान को खलक किया और खुदा ने पैदा किया ताकि वो उसकी इबादत करे, मगर उसने अपने ख्यालात को तब्दील किया, अपनी सोचों को गलत किया और बुरे ख्यालात में पढ़कर गैर मुल्कों की इबादत करने लगा जी। असलिस्ना उसका 5वां बाब 11वीं आयत, तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना देना, क्योंकि खुदावंद उसको जो उसका नाम बेफायदा लेता है बेगुनाह ना ठहराएगा,
तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सबत के दिन को पाक करके दिन को याद करके पाक मारना, छः दिन तक मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन सातवें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सबत है, उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम ना तेरी लौंडी, ना तेरा बैल ना तेरा गधा, ना तेरा और कोई जानवर, ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, ताकि तेरा गुलाम और तेरी लौंडी भी तेरी तरह आराम करें। आमीन। भाई जी कुछ पढ़ा है, किसी को समझ आई है? जी। और कोई ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की।
मेरा और आपका मसीहा खुदावन यीशु मसीह हमें किसी बीमारी में मुबतला नहीं होने देता। किसी आजमाइश में जितना लॉकडाउन चल रहा है, 4 महीने 5 महीने यहाँ बैठे यही वो मौत की वादी थी। बहुत से दुनिया कमरों में पड़ी है, मगर खुदा के लोग आज भी जिंदा है, क्योंकि वो उसे मानने वाले हैं। जो मेरे लिए कभी भी ना आफत आएगी, तो पानी के लिए मेरे लिए ना जाएगी। क्यों? क्योंकि तूने उसको अपना मस्कन बना लिया है, तूने उसको अपना शक्ति का ठेला कबूल कर लिया है। हमारे पूरे कैमरा से किसी को कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। दुनिया भागी रही, दुनिया काम से भागी रही, बीमारी से भागी रही, मगर हमारा यीशु हमारे ऊपर अपना कहना हाथ पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा यीशु मसीह जोर और अपने जोर से अपनी कौम को बचाने की कुदरत रखता है। वो प्लीज पे बाया बाया की कुदरत रखता है, क्योंकि प्लीज शुरू से आता है और उसके पाप के अधिक गिरा गया है और उसने हत्या किया है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया।